नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल टेक्निकल भटनागर को। आज सुबह कुछ अपडेट्स आए हैं और ये अपडेट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आप एडसेंस का अकाउंट चलाते हैं तो ये अपडेट्स कहीं ना कहीं आपके लिए हैं। पहला अपडेट तो स्टूडियो से रिलेटेड है। स्टूडियो में पहले आप अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं देख पाते थे कि किसने कौन सा सब्सक्राइब किया, और देखते भी थे तो वो बहुत कम देखते थे। अब आप अपने सब्सक्राइबर्स को देख पाओगे। अब यहाँ पर जब आप सब्सक्राइबर्स को देख पाओगे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक अपडेट अभी अधूरा है, ये अपडेट पूरा होना चाहिए। अगर आप सब्सक्राइबर को देख सकते हो तो कहीं ना कहीं उनके ईमेल एड्रेसेस भी आपको देने चाहिए, जिससे जो यूट्यूबर है उनको पर्सनली भी मैसेज कर सके अगर उनको कहीं पर ज़रूरत पड़े। हालांकि जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं उसमें 90% ऐसे होते हैं जिनके खुद के चैनल्स वहाँ पर होते हैं और प्रॉपर चैनल्स होते हैं। एक तो होता है कि आपने यूट्यूब पर आपने वॉच करना शुरू किया तो एक ऑटोमेटिक ही चैनल बन जाता है आपका, लेकिन मैक्सिमम जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उसमें चैनल्स होते हैं, उन चैनल्स में जाके अबाउट में जाके हम लोग उनके ईमेल एड्रेसेस को वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो अपडेट आ रहा है, ये अपडेट कहीं मानने में काफ़ी अच्छा है। अब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो सब्सक्राइबर है वो कौन है, किस तरीके का सब्सक्राइबर आपको सब्सक्राइब किए हुए हैं, किस तरह के कंटेंट में आपको किस तरह के सब्सक्राइबर्स आपको मिल रहे हैं। अच्छी अपडेट है, कहीं पर कहीं कोई शिकायत यहाँ पर नहीं है, बस थोड़ी सी अधूरी लग रही है, पता नहीं क्यों। आपके क्या थॉट्स हैं वो मेरे को कमेंट करके बताना। दूसरा ये है कि जो कंटेंट के नाम से एक टैग जो है आपको मिल जाएगा, टैब सॉरी मिल जाएगा, जिसमें आप अपने वीडियोज़, स्टोरीज़, कम्युनिटी पोस्ट को आप वहाँ पर देख पाएंगे। अगेन अच्छा अपडेट है, कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात वहाँ पर मुझे नहीं लगती। अब जो मेन अपडेट है हमारा जो मोनेटाइजेशन को लेकर है, वो थोड़ा सा सीरियस अपडेट है। वो अपडेट ऐसे है कि अब आपको अपनी आइडेंटिटी वहाँ पर प्रूफ करनी होगी, यानी कि आपको बताना होगा कि आप कहाँ रहते हैं, आपकी आईडी क्या है, आपकी फ़ोटो पहचान पत्र क्या है, कि किस तरह के की आपकी ये सब चीज़ें हैं, यानी कि आपको अपना पैन कार्ड या आपको आईडी प्रूफ या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पासपोर्ट अब आपको अपलोड करना होगा कहीं ना कहीं, जब भी आपके पास ये नोटिफिकेशन आएगा। और ये नोटिस आपको मिलेगा मार्च के मिड में। अब मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैंने 2014 में जो आइडेंटिटी प्रूफ था वो मैंने दे दिया था। कहानी कुछ ऐसे थी कि 2014 में मेरे पास जो पिन आए थे वो मेरे तीनों स्किप हो गए थे। स्किप होने की वजह से जब मैंने YouTube से बोला कि स्किप हो गए हैं सर, अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने बोला कि आप अपना पैन कार्ड या जो भी आपका इंडियन आइडेंटिटी बनती है आप वो अपलोड कर दो। तो वो मैंने अपलोड किया था तो मेरा वहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ वहाँ पर हो गया था। लेकिन मेरे दो अकाउंट एडसेंस के ऐसे हैं जिसमें सेम प्रोसेस था, पिन आया था, पिन से मैंने जो है अपना आइडेंटिटी वहाँ पर दिया था। अब आपको यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है, आपने अकाउंट नंबर किसी का भी दिया हो लेकिन एडसेंस अकाउंट जिसके नाम पे है उसका ही आईडी जो है उसी का एड्रेस आपका वहाँ पर अपलोड होगा। और जब आप आईडी अपलोड कर रहे होंगे तो आपको जो पर्सनल में आपने एड्रेस दिया हुआ है, पर्सनल प्रोफाइल में आपने एडसेंस की, वही सेम एड्रेस आपको वहाँ पर रखना होगा, नहीं तो हो सकता है कि आपकी आईडी जो है वो डिसअप्रूव हो जाए। अब इसमें होगा ऐसा कि मोनेटाइजेशन तो आपकी अप रहेगी, लेकिन जब तक आप अपनी आईडी को वहाँ पर सबमिट नहीं कर दोगे तब तक आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। कहने का मतलब ये है कि पैसे तुम्हारे बनते रहेंगे लेकिन आएंगे तब जब तुम अपनी आईडी को सबमिट कर दोगे और कहीं ना कहीं वहाँ से उस चीज़ का अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये तीन या चार ऐसी अपडेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली अपडेट थोड़ी सी अधूरी लगती है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी स्टोरी जो फीचर है, स्टोरी फीचर को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। वहाँ पर अभी जो है जो हम लोग वीडियोस डालते हैं, मुझे लगता है वहाँ पर हमें प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन आना चाहिए कि प्लेलिस्ट हम अपनी पूरी पूरी वहाँ पर शेयर कर दें, क्योंकि प्लेलिस्ट अगर आप शेयर करते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं व्यूज़ मिलने के, सब्सक्राइबर्स मिलने के। और जैसे बहुत सारे लोग ट्यूटोरियल्स बनाते हैं तो एक वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार्ड्स पर ध्यान नहीं देते, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि पूरी प्लेलिस्ट हम लोग एक बार में शेयर करें और शेयर करने के बाद वहाँ पर जो व्यूअर है उसको एक ही जगह सारी वीडियोस हमारी मिल जाएं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा कुछ अपडेट लेकर आते हैं तो वो सबके लिए अच्छा रहेगा। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
टेलीग्राम पर भी ग्रुप बना रखा है, अभी 160 लोग वहाँ पर जुड़ गए हैं। वीडियोज़ को प्रमोट करते हैं हम लोग, और कहीं ना कहीं कोई पैसा उस चीज़ का हम लोग नहीं लेते हैं। अपनी वीडियोज़ मुझसे शेयर करो इंस्टाग्राम पर, अच्छी लगेगी तो उस ग्रुप में भी शेयर करूँगा, जिससे कहीं ना कहीं तुम्हारा भी भला हो और तुम्हें भी सब्सक्राइबर मिले और मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो।